आपने भारत में नदियों को बहुत ज्यादा देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा, और भारत में नदियों का बहुत ज्यादा महत्व है, ये तो आप जानते ही हैं। ये पीने के पानी के साथ साथ कृषि और बाकी कई कामों में उपयोग में लाई जाती हैं, और इसके अलावा नदियों से लोगों की आस्था भी यहाँ पर जुड़ी है, और यही वजह है कि नदियों को भारत में माँ का दर्जा दिया गया है। आपने भारत की कई लंबी नदियों के बारे में पढ़ा सुना होगा, बहुत सी नदियों को देखा भी होगा, लेकिन क्या आप दुनिया की उन नदियों के बारे में जानते हैं जो बहुत बड़ी हैं, बहुत विशाल हैं, बहुत गहरी हैं, या फिर ऐसे किसी देश के बारे में आप जानते हैं जहां पर एक भी नदी नहीं है? ऐसी बहुत सारी बातें बताऊंगी आज मैं आपको नदियों के बारे में, अलग अलग देशों के बारे में, लेकिन उसके लिए रहना होगा आपको हमारे साथ इस सफर में। 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड सुन रहे हैं आप, आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस के साथ। वक्त हुआ है 11:11 और 20 सेकेंड, तो शुरू करते हैं इस प्यारे से सफर को इस खूबसूरत से गीत के साथ। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा,
नदियों के बारे में आपको मैंने बताने के लिए कहा था और पता है क्यों मेरे दिमाग में आज ये ख्याल आया? मैंने सोचा कि तस्वीर पे तो हम बात करेंगे ही, आज जाएंगे हम कहीं किसी खास जगह की सैर पर, लेकिन उससे पहले मैं नदी की बात आपसे करूं। और उसकी वजह ये थी कि जब भी हम किसी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पर हम बेहतरीन खूबसूरत नदियों को देखते हैं, खूबसूरत पहाड़ों को देखते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों को देखते हैं जो हमारा दिल जीत लेती हैं, लेकिन हम उन्हें कहीं ना कहीं गंदा करके आ जाते हैं और फिर उससे क्या होता है, प्राकृतिक खूबसूरती खराब हो जाती है। तो ऐसे में जरूरत है कि हम नदियों के महत्व को समझें, पहाड़ों की खूबसूरती को समझें। और इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वैसे तो इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे कि अमेजन नदी जो कि करीब 6.5 किलोमीटर लंबी है, और अगर इसकी बात करें तो पानी के हिसाब से ये धरती की सबसे बड़ी नदी है। और इसके अलावा एक नील नदी का नाम आपने जरूर सुना होगा, अफ्रीका में बहती है और ये अफ्रीका के कई देशों से होकर गुजरती है। और इसके साथ साथ ऐसी बहुत सी नदियां हैं जो, जैसे कि बांग्लादेश की बात करें तो 700 से ज्यादा नदियां यहां पर बहती हैं, और ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जहां पर नदियां हैं ही नहीं। तो भाई हमें तो जरूरत है कि इनके महत्व को हम समझें, इन्हें जानें और कोशिश करें कि हम जहां पर भी घूमने के लिए जाएं उस जगह की खूबसूरती को बरकरार रखें, उसे खराब ना करें, उसे वैसा ही बनाकर रखें जैसा हमने उसे देखा है और जैसा हम उसे दोबारा देखना चाहते हैं। वैसे आज मैं आपको एक खास जगह की सैर पर ले जा रही हूं, और वो जगह है कौन सी बता दूं, दमन दादरा और नगर हवेली। इस जगह पर आज हम चलेंगे और ये बहुत ही खास जगह है, अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में स्थित मिरासोल लेक है यहां पर, जो कि बहुत खूबसूरत है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और एक बात अगर मैं बताऊं आपको इस जगह के बारे में, तो ये जगह अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पर जो भी कोई जाता है वो जरूर इस जगह का मुरीद हो जाता है और हर बार यहाँ पर पहुंचना चाहता है। यहाँ देखने के लिए क्या क्या है, बहुत कुछ है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, यहाँ का भूगोल, इतिहास, बहुत कुछ समृद्ध है और अपने आप में ये जगह बहुत खास है। क्या कुछ है इस जगह पर देखने के लिए, घूमने के लिए, सब कुछ आपको बताऊंगी लेकिन इस गीत के बाद। झगड़ा बालम नई नई प्रीत रे,
दोस्तों आज हम सफर पर निकले हैं दमन दादरा और नगर हवेली के, और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव भारत में दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें 2020 में एक में मिला दिया गया था, जबकि उन्हें अक्सर एक इकाई के रूप में संदर्भित किया जाता है। वो दो अलग अलग क्षेत्र हैं जो एक दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं। दोनों प्रदेशों का एक समृद्ध इतिहास है, संस्कृति है और विविध आबादी का घर है ये, और यहां पर बहुत ही खूबसूरती से आप घूम सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी जगह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, वो सब तो मैं बताऊंगी आपको। अगर बात करूं मैं यहाँ के इतिहास की, तो दादरा और नगर हवेली 1954 तक एक पुर्तगाली उपनिवेश था जब इसे भारत में मिला दिया गया था। एक क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के बीच स्थित है और 491 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में करीब फैला हुआ है। 1961 तक नगर हवेली एक अलग इकाई थी जब इसे दादरा में मिला दिया गया था। दूसरी ओर दमन और दीव 1961 तक पुर्तगाली उपनिवेश थे जब उनका भारत में विलय कर दिया गया था। दमन और दीव भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं और 112 किलो वर्ग किलोमीटर के एक क्षेत्र को कवर करते हैं। 2020 में इन्हें एक में शामिल कर दिया गया था। और अगर बात करें यहाँ की सुंदरता की, तो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत खूबसूरत है। दादरा और नगर हवेली एक लैंडलॉक क्षेत्र है, पश्चिमी घाट की तलहटी में स्थित है और ये क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और कई नदियों और झरनों का घर है ये। दादरा और नगर हवेली की जो प्रमुख नदियां हैं दमन गंगा और कोलक नदी, वो यहां पर खास है। वन्य जीव अभयारण्य भी यहां पर है, कई लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है ये। और इसके अलावा दूसरी तरफ अगर दमन और दीव की बात करें तो अरब सागर के किनारे पर स्थित है और इनकी तटरेखा करीब 42 किलोमीटर तक फैली है। ये क्षेत्र अपने खूबसूरत समुद्र तटों, ऐतिहासिक किलों और सुरम्य चर्चों के लिए जाना जाता है। दमन और दीव की प्रमुख नदियों की बात करें तो दमन गंगा और कोलक नदी यहां पर बहती है। और इसके साथ साथ अगर मैं इस जगह की खूबसूरती में बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चार चांद लगाती हैं, जैसे कि यहाँ पर पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण बहुत सारे हैं। क्या क्या है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, जैसे वासोना वन्य जीव अभयारण्य है, दुधनी झील है, हिरवा वन गार्डन है और जनजातीय संग्रहालय भी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जहां पर आप वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं, कयाकिंग कर सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सब बताती चलूंगी इस सफर में। जल्दी क्या है, सफर तो अभी बहुत लंबा है, तो फिलहाल ये गीत सुनते हैं और फिर आगे बताऊंगी क्या है। रस्ते
तो चलिए ले चलते हैं आपको सबसे पहले सिल्वासा व सोना लायन सफारी। और ये सफारी जो है ये एक पार्क है जो कि वन्य जीवों का स्वर्ग माना जाता है धरती पर, और इसकी वजह है यहाँ पर मौजूद प्रकृति और वन्य जीव जंतुओं का भव्य नजारा। सभी जानवरों के राजा शेर को देखना यहाँ पर बहुत अनोखा अनुभव हो सकता है आपके लिए। पार्क के चारों तरफ छोटे प्यारे शावक, मादा और नर शेर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सिल्वासा व सोना लायन सफारी जो है वो दादरा और नगर हवेली वन्य जीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। इस पार्क की स्थापना की जो वजह है वो यही रही कि वन्य जीवों को लुप्त प्राय या विलुप्त होने से बचाना, और यहाँ पर आप अलग अलग तरह के जानवरों को भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हिरवा वन उद्यान में भी जा सकते हैं जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, एक स्वर्गीय उद्यान इसे आप कह सकते हैं, और पेड़ पौधों की अलग अलग तरह की जादुई और सुंदर प्रजातियों को आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस बगीचे का नाम जो है वो यहाँ के देवता के नाम पर रखा गया है, हिरवा देवता को समर्पित है, और ये जगह बिल्कुल ईश्वरीय प्रतीत होती है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो ये अपने आप में बहुत खूबसूरत लगेगी आपको। बगीचे की सबसे आकर्षक चीज यहाँ जो है वो है झरना, और ये बहुत दुर्लभ है। जब आप किसी बगीचे में इतने सुंदर झरने और पौधों का संग्रह देखते हैं ना, तो ये स्थान बिल्कुल आपका मन जीत लेता है। बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ पर एक अलग जगह है। मजेदार पिकनिक मनाने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये अपने आप में बहुत आकर्षक जगह है। और इसके साथ साथ अगर आप इस सफर में और आगे बढ़ें तो बाणगंगा झील उद्यान में भी आप जा सकते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग तरह की सुंदर पेड़ पौधों की प्रजातियां मिलेंगी, सुंदर झील देखने का मौका मिलेगा, और आप झील में बत्तखों को घूमते हुए भी देख सकते हैं। और यहाँ की जो मौसम है बहुत खूबसूरत होता है, तो यहाँ आप जब भी जाएं इस जगह को एक हिल स्टेशन के तौर पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर सुंदर सैरगाह भी आपको मिलेगी जिसमें आप घूम सकते हैं। छुट्टियों के मौसम में अगर आप चाहें तो इस हिल स्टेशन की सैर कर सकते हैं। दादरा में सिल्वासा रोड के पास मौजूद है। इसमें एक ट्रैक भी है जहां आप सुबह या शाम अच्छी सैर कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ यहाँ समय बिता सकते हैं। तो ये बाणगंगा झील जो है वो अपने आप में एक खास अट्रैक्शन है यहाँ का। इसके साथ साथ अगर आगे बढ़ें तो एक चर्च है, चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ पाइटी, जिसके अंदर आप जाते हैं तो आपको अलग अलग तरह की कलाकृतियां देखने के लिए मिलेंगी। पुर्तगाली लोगों द्वारा पुर्तगाली शैली में बनाई हुई यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी आपको। सबसे पुराने चर्चों में से एक इसे माना जाता है। सुरुचिपूर्ण डिजाइनिंग के साथ साथ आप यहाँ पर बहुत अच्छा भूरा रंग का जो दृश्य है बहुत सुंदर देखने के लिए लगती है। ये जो चर्च है ये अपने आप में बहुत खास है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चर्च के अंदर लास्ट सपर जैसी कलाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कह सकते हैं कि पुर्तगाली शैली में बनी हुई पेंटिंग्स होती हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ये जगह खुली रहती है और आप इसका जरूर लुत्फ उठा सकते हैं। और क्या क्या है इस सफर में सब बताती चलूंगी, गीतों के साथ साथ जुड़े रहिएगा मेरे साथ। Thank you.
मुझे इंतजार है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी। आप जहां भी जाएं सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड। मैं समय हूँ, मैंने आजादी के बाद से एक ही परिवार के तीन तीन लोगों को मुखिया बनते देखा है, फिर भी आम व्यक्ति को बिजली पानी के लिए तरसते देखा है। हालात तो बदले मोदी जी ने, उन्हीं लोगों के 60 साल के अटके काम पूरे करके बस 10 साल में हर घर नल, बिजली, गैस, शौचालय बनाकर। इसीलिए मैं बनते देख रहा हूँ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल, नंबर अननोन यानी अपरिचित है, फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो। आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है। ठीक है, आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा। आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है। कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है। प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या। इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए। समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए। अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए। किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है। ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए। याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir National Admission Test on 13th and 14th April. Think IIT, Think Vidya Mandir. सुनिए, ये सिर्फ फोन की आवाज नहीं है, छोटे किसानों के बड़े सम्मान की आवाज है। कहाँ साहूकारों से बीज खाद के लिए कर्जा लेते थे, कहाँ फसल नुकसान पर रोते थे। हमारा दुख दर्द समझा मोदी जी ने, MSP बढ़ाई, सिंचाई बढ़ाई, बीमे का भुगतान बढ़ाया, ऑनलाइन मंडियां बनाई, और फिर भी वो कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। देश को और आगे ले जाने की गारंटी मोदी जी की, और मोदी जी को आगे ले जाने की गारंटी मेरी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सावधान, बिना किसी कारण के वजन का कम होना, भूख कम लगना, स्तन और गर्दन में दर्द रहित गांठ, योनि से अधिक रिसाव या रक्तस्राव, मुंह में जख्मों का ना भरना व खाने एवं पेशाब की आदतों में परिवर्तन होना आदि कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इन्हें अनदेखा ना करें व इन लक्षणों के होने पर नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें। ध्यान रहे, प्रारंभिक अवस्था में कैंसर का पता लगने पर इसका इलाज संभव है। कैंसर से बचाव के लिए शराब एवं तंबाकू के सेवन से बचें, संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें व शरीर के वजन को सामान्य बनाए रखें और शारीरिक गतिविधियां करें। जानकार बने, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। सुना क्या, ये घंटी है हमारे 500 साल के अधूरे सपने पूरे होने की। ये घंटी है भारतीयता के स्वाभिमान की। काशी से केदारनाथ तक, सोमनाथ से अयोध्या तक, अब अधूरे सपने नहीं, आस्था के भव्य दिव्य प्रतीक दिखते हैं। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। देश को आगे ले जाने की गारंटी मोदी जी की, और मोदी जी को आगे ले जाने की गारंटी मेरी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें, या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व।
मेट्रो के दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। सुना क्या, ये आवाज सिर्फ मेट्रो की नहीं है, छोटे शहरों के बड़े आत्मविश्वास की है। मोदी जी आए उसके पहले सिर्फ 4 बड़े शहरों में मेट्रो थी, आज 20 में है और भी बन रही है। ये केवल मेट्रो की नहीं, विकास की गाड़ी पटरी पर आने की आवाज है। इतने हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट्स, मॉडर्न स्टेशन बन चुके हैं, फिर भी मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। देश को और आगे ले जाने की गारंटी मोदी जी की, और मोदी जी को आगे ले जाने की गारंटी मेरी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir National Admission Test on 13th and 14th April. Think IIT, Think Vidya Mandir. मैं समय हूँ। मैंने आजादी के बाद से एक ही परिवार के 3-3 लोगों को मुखिया बनते देखा है, फिर भी आम व्यक्ति को बिजली पानी के लिए तरसते देखा है। हालात तो बदले मोदी जी ने, उन्हीं लोगों के 60 साल के अटके काम पूरे करके, बस 10 साल में हर घर नल, बिजली, गैस, शौचालय बनाकर। इसीलिए मैं बनते देख रहा हूँ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन। कोई बोले राम राम। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना चैनल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी आकाशवाणी गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। वक्त हुआ है 11:42:56 और आज हम घूम रहे थे कहां पर, याद है, दमन, दादरा और नगर हवेली की हम कर रहे थे सैर। और इस जगह पर क्या क्या घूमने के लिए ये सब कुछ मैं आपको बता रही थी, तो अब आपको ले चलती हूं दुधनी झील की तरफ, जो कि दादरा और नगर हवेली में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है और इसके चारों तरफ मौजूद सभी आकर्षण इसमें शामिल हैं। और यहां पर आप एक अलग तरह का साफ सुथरा क्रिस्टल पानी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत वातावरण के साथ साथ यहां पर आपको नजर आएगा। यहां देखने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, करने के लिए बहुत सारी अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं जो कि आप यहां पर कर सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स की बात करें तो यहां पर आप जल जेट और बोट्स, इसके अलावा जो वाटर स्कूटर्स हैं, इनका भी मजा आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जिन्हें आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर है मल्लीनाथ जैन तीर्थ, जिसे यहाँ पर एक जैनियों के तीर्थ के रूप में जाना जाता है। श्री मल्लीनाथ जैन तीर्थ कोसबाद मंदिर बोर्डी गांव में एक सफेद रंग का एक सुंदर पवित्र मंदिर है और ये मंदिर भगवान ऋषभ को समर्पित है, जहां दुनिया भर से जैन धर्म के कई अनुयायी जो हैं वो हर साल इस मंदिर में आते हैं शांति पाने के लिए। यहां कई जैन परंपराओं को माना जाता है, जिसे देखना बहुत अच्छा लगेगा आपको। और भारत के जो प्रमुख 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनमें से एक ऋषभदेव का ये मंदिर है और अपने आप में इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। ये धार्मिक श्रद्धा से जुड़ा हुआ प्रतीक है जैन धर्म के लिए। और यहां पर अगर आप चाहें तो आइलैंड गार्डन दादरा पार्क में भी जा सकते हैं, जो कि शांति के लिए जाना जाता है। बहुत खूबसूरत लॉन है, झीलें हैं यहां पर, अलग अलग खूबसूरत पेड़ पौधे आपको दिख जाएंगे।
और एक सुंदर क्रॉस ओवर पुल है जो कि बगीचे के घने हरे पेड़ों में के साथ से घूमता हुआ आपको दिखाई देता है। बत्तखों को देखने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं, बहुत सारी खूबसूरत बत्तखें आपको नजर आएंगी। आप इस जगह की लंबी सैर कर सकते हैं, अच्छे पक्के रास्ते हैं यहाँ पर, बोटिंग कर सकते हैं आप झील में यहाँ पर, और इसके साथ साथ आप अलग अलग खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों का मजा ले सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। और अगर आप चाहें तो जम्पूर बीच भी जा सकते हैं, दमन का जम्पूर समुद्र तट घूमने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें आपको करने के लिए मिल सकती हैं, जैसे कि पैरासेलिंग, घुड़ सवारी, ऊंट की सवारी और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर सनसेट देखने के लिए भी जाते हैं और ठंडे मौसम का मजा लेने के लिए भी ये जगह बहुत खूबसूरत है। और इसके अलावा नागोवा बीच है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर जगह है। मनमोहक ताड़ के पेड़ आपको यहाँ पर नजर आएंगे, सफेद रेत के साथ विशाल नीले रंग के जल निकाय आपको दिखाई देंगे और बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको यहाँ पर नजर आएंगे। घंटों तक रुकने के लिए आपको मजबूर कर देगी ये जगह। और यहाँ का जो सूर्यास्त और सूर्योदय है वो भी आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का मजा आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर एक किला भी है, दीव किला, जो आप देख सकते हैं, जो कि 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो पुर्तगाली शैली में बनाया गया था। किले के अतीत की बहुत सारी जानकारियां आपको यहाँ पर मिलेंगी। पीतल से बनी हुई तोपें आपको देखने के लिए मिलेंगी, लकड़ी की कलाकृतियां यहाँ पर देख सकते हैं आप। बंगले, हवेली, चर्च और हिंदू देवता शिव का मंदिर जैसे कई स्मारक यहाँ पर आपको मिलेंगे जो इस जगह को दिलचस्प बनाते हैं। देखने के लिए खूबसूरत है ये जगह और आप यहाँ पर खींचे चले जाएंगे। इसके अलावा सोमनाथ महादेव का मंदिर है जो कि आप देख सकते हैं दीव और दमन के इलाके में, और ये चमकदार पीले रंग का सोमनाथ महादेव का मंदिर है जो कि शिव को समर्पित है। बहुत सारी खूबसूरत नक्काशी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, अलग अलग पैटर्न्स में आपको ये देखने के लिए मिलेगी नक्काशी यहाँ पर, और ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। खुकरी मेमोरियल है जो कि आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर सेंट पॉल चर्च है वो भी आप देख सकते हैं, नायडा गुफाएं हैं वो देख सकते हैं, चर्च ऑफ बाम जीजस भी देख सकते हैं, घोगला बीच है और पानीकोटा किला है। बहुत कुछ है यहाँ पर घूमने के लिए। फिलहाल ये गीत सुनिए, फिर आगे और बातें करेंगे। Thank you.
और दोस्तों घूमने के लिए तो बहुत सारी जगह है यहाँ पर। पानीकोट किला, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये किला भी अपने आप में खास है। दीव में एक पुरानी जेल थी ये, और 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था इसे, और पूरी तरह से पत्थरों से बना है। इसे शानदार लुक देता है ये जो पत्थर से बनावट है इसकी। और इसके अलावा आप यहाँ पर जरूर जा सकते हैं, लाइट हाउस भी है एक यहाँ, इसे देखना एक आपके लिए अनोखा अनुभव हो सकता है। इसके साथ ही एक जंपा गेटवे है जो कि आप देख सकते हैं, और ये गेटवे एक ऐसा किला है जो बेहद मनोरम है, बहुत खूबसूरत है। पुर्तगालियों ने शहर के प्रवेश द्वार के रूप में इसे बनाया था, जो पूरी तरह से लाल रंग से रंगा हुआ है, और इसमें शेरों, स्वर्गदूतों और पुजारियों की कई नकाशें आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और ये बहुत प्यारा है। आप इसे जरूर देखिएगा कभी अगर यहाँ जाना हो आपको। और अब यहाँ पर पहुंचना कैसे है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो बाय ट्रेन अगर आप जाएं तो जो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है वो पश्चिमी रेलवे पर वापी है, और वापी में अगस्त क्रांति, राजधानी, शताब्दी, अहिंसा, कर्णावती जैसी बहुत सारी जो मेल्स हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, वो पहुंचती हैं, तो आप यहां पर जरूर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा सड़क से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली लगभग मुंबई, बड़ौदा, दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा है। सिलवासा भिलाड़ से लगभग 14 किलोमीटर और वापी से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। मुंबई से 180 किलोमीटर की दूरी पर है। सूरत से 140 किलोमीटर के करीब है, और नासिक से 140 किलोमीटर की दूरी है। और दमन से अगर बात करें तो यहां से भी आप 30 किलोमीटर की दूरी पर इससे पहुंच सकते हैं। तो आप चाहें तो बाय एयर भी यहां पर जा सकते हैं, जो भी आपको सुविधाजनक हो। हर बजट के होटल्स आपको यहां ठहरने के लिए मिल जाएंगे। खाने के लिए सी फूड बहुत सारा मिलेगा आपको, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप यहां पर खा सकते हैं। हर तरह का फूड आपको यहां पर इजीली मिल जाएगा, तो आपको कोई भी परेशानी इस जगह पर नहीं आने वाली है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि जब भी आपको लगे कि आप इस जगह की सैर पर जाना चाहते हैं, आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है मेरे पास इस सफर में आपको इस जगह की सारी चीजें बताने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने आपको बताया ये जरूर आपको ये बताने के लिए काफी है कि आपको इस जगह पर जाना चाहिए, और आप जरूर यहाँ की सैर करना चाहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन जब भी आप कहीं घूमने के लिए जाएं तो आपसे हर बार मैं कहती हूँ कि उस जगह की साफ सफाई, खूबसूरती का ख्याल जरूर रखा कीजिए। वहां से जरूर यादगार कुछ लेकर आइएगा खरीद कर, इससे वोकल फॉर लोकल को भी मदद मिलती है। वहां के जो लोकल लोग सामान बनाते हैं वो आप खरीद सकते हैं, वहां की संस्कृति को, वहां की खूबसूरती को खूब करीब से देख सकते हैं, तो आपके लिए ये यात्रा बहुत यादगार हो सकती है। हम तो आपसे यही कहेंगे कि जब भी मौका मिले आप निकल जाइए इस यात्रा पर, फिर देखिएगा कितना खूबसूरत रहेगा ये, और आने वाली छुट्टियों में आप इस जगह का आनंद ले सकते हैं। फिलहाल ये गीत का आनंद लीजिए, और फिर आपसे लूंगी विदा इस सफर से। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, पीछे पीछे मेरे आप आती हैं क्यों, मेरी राहों में आंखें बिछाती हैं क्यों, आप आती हैं क्यों। क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, कैसी जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे ऐसी नजरों से देखा
दोस्तों इस सफर में इतना ही। इसी के साथ रेखा लेती है इजाजत, लेकिन फिर से वादा रहा कि किसी रोज आपसे मुलाकात जरूर होगी। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी गोल्ड के साथ, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। इसके बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार और 12:10 पर आपके साथ हमारी एक और साथी रहेगी लेकर कुछ और नया। तो जुड़े रहिएगा आकाशवाणी गोल्ड के साथ। फिलहाल गीत जाते जाते आपके लिए। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, दिल क्यों मेरा तड़प रहा है? हाँ तेरे ही दिल में है प्यार कुछ कुछ, मेरे भी दिल में जरा जरा है। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे? ये बिखरी जुल्फें संवार दूं मैं, ओ हसीन पलकों की छांव में अब ये सारा जीवन गुजार दूं। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे?